तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, जहां होंगे मस्त होंगे। दोस्तों, आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है बीएसएफ ट्रेड्समैन को लेकर। जो बच्चे भी फिजिकल क्वालिफाई कर चुके हैं उन सभी को कांग्रेचुलेशन, और बहुत दिनों से वेट कर रहे हैं कि बीएसएफ ट्रेड्समैन का जो है एग्ज़ाम वो कब होगा। तो आज के इस वीडियो में आप सभी को हम लोग बताएंगे कि एग्ज़ाम जो डेट है वो कन्फर्म हो चुका है, शायद से कुछ लोगों को पता भी हो गया होगा, और हम लोग वादे के मुताबिक जो है कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी आप लोगों को सॉल्व पेपर जो है हम लोग लेकर आ रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बताने वाले, देखिए हम लोग बीएसएफ के जो है ऑफिशियल साइट पर भी हैं, यहाँ पे आप लोगों को डेट के बारे में बता देते हैं कि कब आप लोगों को जो है एग्ज़ाम वो होने वाला है। तो देखिए, ऑफिशियल साइट में कोई आप लोगों को अपडेट नहीं है। ऑफिशियल अगर साइट में जाइएगा तो कोई अपडेट नहीं है बीएसएफ के साइट पर, ठीक है? आपको साइट भी हम एक बार चेक करा देंगे, लेकिन एक डेट कन्फर्म हो गया है इसका बीएसएफ का। वो डेट है जो वो आप लोगों का 27 नवंबर, ठीक है? ये देखिए, ऑफिशियल डेट नहीं आया है, लेकिन ये कहा जा रहा है वहाँ के जो लोग हैं बीएसएफ हजारीबाग के, वहाँ जब बात हुई थी तो उनका कहना था कि 27 तारीख को जो है कि वो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। हो सकता है दो दिन लिया जाए या फिर एक ही दिन में दो शिफ्ट में करा लिया जाए एग्ज़ाम। तो 2 घंटे का पेपर होगा आप लोगों का, ऑफलाइन पेपर होने वाला है, मैथ, रीजनिंग, GS और हिंदी का। तो हम लोग सेक्शन वाइज आप लोगों को प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी करवा रहे हैं, और CSF के जो फिजिकल है, फायर वाले कैंडिडेट है, वो भी उस वीडियो को जरूर से जाके देखिएगा। चैनल पे आपको वो वीडियो मिल आगे आने वाले समय में जो है वो मिल जाएगा। आज शाम तक जो है कि आप लोगों को फर्स्ट जो भी है मैथ या फिर GS का आप लोगों को पार्ट जो है कि वो सॉल्व करके आप लोगों को वो मिल जाएगा। बाकी ये जो अपडेट है, ये अपडेट जो है आप लोगों का ये 27 नवंबर का मान के चलिए, क्योंकि हो सकता है 27 तारीख को ना हो, क्योंकि ऑफिशियल अगर साइट पे जाइएगा तो आप रिक्वायरमेंट जाइएगा तो कोई आप लोगों का ये आप लोगों का नहीं दिया हुआ है, ठीक है? साइट पे अगर जाइएगा तो आप लोगों को कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ, देखिए कुछ नहीं दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है? कुछ यहाँ पे आप लोगों को नहीं दिया हुआ है। ये ऑफिशियल साइट है बीएसएफ का, यहाँ पे कोई अपडेट नहीं आया है, लेकिन जो वहाँ से जो भी वहाँ पे डिपार्टमेंट में जो लोग हैं वहाँ से अपडेट आया है कि 27 नवंबर को आप लोगों का जो है एग्ज़ाम वो ले लिया जा सकता है, ठीक है? देखिए, यहाँ पे जाएंगे, होम पेज में जाएंगे या फिर रिक्वायरमेंट ओपनिंग में जाएंगे, कैंडिडेट यहाँ पर जाकर आप लॉगिन भी कर सकते हैं। आप यहाँ पर कैंडिडेट लॉगिन में जाकर आप लॉगिन कर सकते हैं, लेकिन रिक्वायरमेंट में अगर जाएंगे तो यहाँ पे कोई नोटिस बीएसएफ की तरफ से ऑफिशियली नहीं आया है। लेकिन आप अपनी तैयारी को बिल्कुल अच्छे ढंग से कीजिए, मान के चलिए 27 तारीख को आप लोगों को जो है एग्ज़ाम वो होने वाला है। 27 तारीख को अगर नहीं होगा तो उसके बाद आप लोगों का जो है एग्ज़ाम हो जाएगा। 27 तारीख को नहीं होगा, एक आध सप्ताह और आप लोगों का लेट हो सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा जो है आप लोगों का लेट नहीं हो सकता, क्योंकि प्रोसेस जो है वो चल रहा है आप लोगों का एग्ज़ाम लेने का। सेंटर भी आप लोगों का नियर सेंटर ही जाएगा जहाँ पे आपको फिजिकल हुआ था, मैक्सिमम चांस है कि आप लोगों का वहीं पे आप लोगों का जो है एग्ज़ाम भी कंडक्ट करा लिया जाएगा। जिनका भी जहाँ पे फिजिकल पड़ा था, मैक्सिमम चांस है वहीं पे आप लोगों का जो है कि कंडक्ट करा लिया जाएगा। और सीएसएफ वाले जो वेट कर रहे हैं, सीएसएफ का फिजिकल एग्ज़ाम कब होगा, तो सीएसएफ का भी बहुत जल्द होने वाला है, दिसंबर में जो है कि आप लोगों का एग्ज़ाम वो होने वाला है। इसका भी टेंटेटिव डेट है, दिसंबर तक आप लोगों का वो कंडक्ट करा लिया जाएगा। बाकी ये अपडेट कैसा लगा है, और जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप लोगों को चाहिए तो नीचे जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आप लोगों का वीडियो तो अभी शूट हो चुका है, वो आप लोगों को शाम तक जो है कि वो एक सेशन आप लोगों को वो मिल जाएगा। बाकी ये वीडियो आप लोगों को, ये अपडेट आप लोगों को कैसा लगा है, बहुत सारे लोग जो है कि डेट के बारे में जानते भी होंगे 27 तारीख को एग्ज़ाम होने वाला है इसका, तो अगर जानते हो फिर भी बताइएगा, नहीं जानते तो अपडेट कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अगर पसंद आता है वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर नया है तो चैनल को एक बार जरूर से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे आने वाले समय में आप लोगों को बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोज़, क्वेश्चन सॉल्व और बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के डिफेंस रिलेटेड इसी चैनल पे आप लोगों को मिलने वाले हैं। मिलते हैं हम लोग अब अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।